क्या पता कि क्या पता कि खुशी पर नजर कबूल लगे, क्या पता हो न हो कल का सुख में सवेरा, सूर्य को ना पता चांद को ना पता, घेर ले उनको ग्रहण का आकर अंधेरा, मानवीय आपदा प्राकृतिक आपदा, आपदा से घिरी जिंदगी चल रही है, कहीं गंगा संगम पर हलचल मची तो कहीं घाट ऊपर चिता जल रही, ए बाबू जिंदगी का हो गई हो, आदमी सुतेला लाखों करोड़ों का सपना लेकर के, लेकिन एक कहू के पता ना बा कि रात से रतिये हो जाई कि सुबह भी हुई, ए जिंदगी को कोई भरोसा ना बा। एक लाइन गजल लगल बा मास्टर साहब, गीत बड़ी प्यारी बा। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, माननी प्यारे लाल कवि जी बड़ा पिजोड़ लाइन मास्टर साहब लिख दले हुए भाव बाका। तुम्हारी दुनिया में मेरे मालिक, तुम्हारी दुनिया में मेरे मालिक, गजब की रंगत भरी हुई है, रंगत भरी हुई है। कहानी पर आप लोग गौर करी हैं, कहानी कहां से कैसे लिखल गई बा मास्टर साहब, इंसान दोषी ना भगवान दोषी, सच में मौत कहे फरमान दोषी, मेरठ के मृत्युंजय मीना जनाना, ललन है या भय पांच वर्ष का सुहाना, मीना कही मैं भखी हूँ भखौती, बर्फानी बाबा की हूँ मनौती। ए बाबू कहानी पर आप लोग गौर करी हन, कहानी कहाँ से लिखल गई, मेरठ के रहे वाला मृत्युंजय जी, मीना का शादी मृत्युंजय से हो गई, धीरे धीरे 5-6 साल बीतल, लेकिन भगवान कोनो औलाद ना दे थुअन, लोगन का ताना मेहना सुने के हो, बझिनिया पपनिया जो उन्हें जे कह दे तो उन्हें कह दे। एक दिन अपने मन में बाबू मीना ठान लली, नहाए धोए के अमरनाथ बर्फानी बाबा के मनौती कैलिन के, हे बाबा अगर हमरे कोनो औलाद हो जाई ना तो ओ औलाद के अपने गोद में लेके आई आपके दरबार में दर्शन जरूर करबे। बारे बर्फानी बाबा ए दिल से मीना के अर्जी के अमरनाथ बर्फानी बाबा सुन लला। धीरे धीरे समय बीतल बा, पाँव भारी हो गया, एक बेटा पैदा भेल बा ए बाबू, जो उन्हें बेटा का नाम परिवार के लोग बड़े प्यार दुलार से आकाश रखला। अब धीरे धीरे
समय बीते लगल, एक साल बीतल, दू साल बीतल, तीन साल बीतल, चार साल बीतल, जब पांचवा लगल तो मीना अपने पति देव से कहली कि काजी पांच साल का दिन बीत गयल, हम मनौती मिलले ही कि कौनो गोद में बच्चा हो जाई, अमरनाथ बर्फानी बाबा का दर्शन करबे, आप हमेशा हर साल टार देला, अगर अब की बार ना चली हम तो नैहरे से अपने लोगन के बुलाई, हम चल जाई अमरनाथ बर्फानी बाबा का दर्शन कह जाई। थे भैया ऐसे कहल जाला कि राजहट, बालहट, तिरियाहट, ये तीनों बड़ा मास्टर साहब जुर्म करेला। जैसे हमारे मास्टर साहब के मेहरारू हुई, अगर वो हट कर दे तो बिरहे वो छोड़ दी, लगातार आठ दिन ना पता रहे, पता ना चलेला। तो यही से कहल जाला कि राजहट, बालहट, तिरियाहट बहुत कठिन बा। इसे राजहट आप लोग कई कई के देखबे कैली रामायण में, और तिरियाहट सीता जी के आप लोग देखबे कैली कि सोने को हिरन मारे बदे कहली जौने में सीता हरण हो गयल। बालहट अगर बच्चा है ना तो कही अपने बाप से, ए पापा हई हथिया जो लले बड़ा ना, एक ही गगरिये में अमादा, मतलब इतना बड़ा जिद होला। अब देखा ए बाबू, मृत्युंजय कलन की ए आकाश की मम्मी एक काम करा कि तू तैयारी करा, हम जाथिला बस में सीट बुक कई के आईला। आ जब सीट बुक कई के आईला ने बाबू तैयारी हो गई बा, भयल का मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा। कितना दर्द होला, कितना दर्द होला हमारी कलाई में, कितना दर्द होला। भाव पर गौर करी मास्टर साहब, अरे मेरठ से बसिया खुलल, अरे मेरठ से बसिया खुलल, चली भैली रात में, अनाथन के नाथ, अनाथन के नाथ भोले नाथ हुआ साथ में। गयल बिहान सब ही पहुँचल पहल गाम में, आ मनवा रमल भोलेनाथ जी के नाम में, अनाथन के नाथ भोले नाथ हूँ साथ में। ए बाबू तैयारी हो गई, अब मेरठ से बस खुलल बा अमरनाथ बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए। तो बसिया में मीना, मीना का पति मृत्युंजय आकाश बेटा और तमाम लोग दर्शन करे बदे चलल हुमर, लोग जयकारा लगा रहे हैं, बोलो बर्फानी बाबा की जय, हर हर महादेव। बस लेके भैया पहुंच गईल अमरनाथ बर्फानी बाबा के दरबार में। आज अब दरबार में लोग पहुंचल बा, जगह जगह कैंप लगल बा, जे जहाँ स्थान पौलस ते तहाँ अपन रहे लगल, और रात बिता लेले लोग ए भैया। जब सुबह भेल मास्टर साहब तब का भेल गीत बदल गई, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला
बड़ लोग जगह जगह जे भी अपने कैंप में बा, जगह जगह से अपने आप में लोग जयकारा लगावत बा, कहत बा, का कहत बा मास्टर साहब, बम बम के गुजे अवजिया लगे शिव के आइल बरतिया हो, शंकर से करे सब अरजिया लगे शिव के आइल बरतिया हो, दर्शन के रहल गरजिया लगे शिव के आइल बरतिया हो, स्नान कई कई के जहां लंगर लगा हुआ है सभी लोग लाइन में लगे हैं प्रसाद लेने के लिए। वही लाइन में मृत्युंजय और मीना आकाश बेटा जो छोटा बच्चा है लाइन में लगे हुए हैं लोग प्रसाद के लिए, तब तक अचानक मीना की नजर ऐसे ऊपर जाती है। जब मीना की नजर ऊपर गई हो बाबू तो गजब हो गल हो मास्टर साहब। अच्छा गजब का भेल मास्टर, एक लाइन गीत लगल बा, नौकरिया पिया छोड़ी दा, जन जाया कोई लरिया, नौकरिया पिया छोड़ी दा, भाव पर गौर करी बाबू, भयल का बा गजब हो गल मास्टर साहब। अरे करिया करिया घेरा ले आवे, अरे करिया करिया घेरा ले आवे, पूर्व से बदरवा लंगरवा पिया छोड़ी दा, अरे लंगरवा पिया छोड़ी दा, लवट के चला घरवा लंगरवा पिया छोड़ी दा, बिजुलिया बदरवा से उठी उठी के अब फट गए बदरा या कसवा से टूट के, और घेरा मरल पानी सब कर, घेरा मरल पानी सब कर, कांपे लाजियारवा लंगरवा पिया छोड़ी दा, अरे लंगरवा पिया छोड़ी दा, लवट के चला घरवा लंगरवा पिया छोड़ी दा,
हे बाबू प्रसाद लेने के लिए लंगर में लाइन लगी हुई है। तब तक मीना की निगाह ऐसे ऊपर गई तो देख रही है आसमान में एकदम काला बादल, धुआं धुआं जैसे लग रहा है। भैया हो लगे कि दिनवे में रात हो गई, ई दृश्य देखे के मिलल। अमीना अपने पति मृत्युंजय जी से कहली कि पति देव हमरे बड़ा डर लगत बा, एक काम करी छोड़ी प्रसाद और सार सब छोड़ी आ जल्दी से बस में बैठी घरे निकल चली। आई है बतिया कहत है हो बाबू, तबले गजब हो गया। गजब का भेल मास्टर साहब, अरे मोरे राम पहाड़ों से जलधारा चल पड़ी, बादल फटा कटा पत्थर से उड़े फब्बारा, यार फब्बारा यार फब्बारा। अरे बाप रे बप्पा, तब तक थोड़ा से देरी ना भइल हो भैया, बादल फटा आ ऐसा बादल फटा कि जैसे कोई बल्टी से एक जगह पानी गिरा हुए, इतना तेज रफ्तार में जो पत्थर पर गिरा बाबू, पत्थर भी टुकड़े टुकड़े में होकर के छटक गया। और जितने लोग वहां थे जल की धारा में बहने लगे, सारे लोग बह रहे हैं। कोई की ए दशा हो गई थी, कितने लोगों की तो ए दशा हो गई थी, पानी के रेत पानी की तेज रफ्तार धारा में बह रहे हैं, जो सर है पत्थर से टकराता और प्राण निकल जाता है, ए स्थिति थी। जे जे हरे भागत मत ते ते हरे भागत म हो भैया, तबले भयल कहो मास्टर साहब। तर्ज के छोड़ी बिरहा में ही भाव बा, करुणस का भाव बा मास्टर साहब, दर्द भरल बात बा। कैसे केहू के लाल देखा बही गईला पनिया में, टेंट पंडाल कितना ढाही गईला पनिया में, टेंट पंडाल कितना ढाही गईला पनिया में, केहू कवर मृत्युंजय बहाया भय मोर सुगनवा, बची की बचाई मीना सोच अपने मानवा, सेनुरा हमार कौन जगह गईला पानिया में, सेनुरा हमार कौन जगह गईला पानिया में, अचरा के लाल हमर बही गईला पानिया में, ए बाबू अब ही देखा हो एक पेड़ है, उसी पेड़ को मीना पकड़ के रखी है, पानी का तेज बहाव है। मीना सोच रही है कि अगर मैं पति को बचाती हूँ तो मेरा बेटा बह जाएगा, अगर मैं अपने बेटे को बचाती हूँ तो पति बह जाएंगे। अब पति भी सोचते हैं, मृत्युंजय भी सोचते हैं कि मैं अपने बेटा के बचाऊं कि अपनी पत्नी के बचाऊं। जैसे ही हथवा बढ़ौले बेटा के तरफ हो भैया, तबले गजब हो गयल। वही पनिया में आकाश भी बह गईलन और मृत्युंजय भी बह जाते हैं। और जब बह गईलन वह पेड़वा पकड़ के बाबू रोवत है, तबले और तेज पानी आयल,
और पेड़ जवन बा जड़िए से उखड़ के बहे शुरू भेल। आ एक पत्थर का बहुत बड़ा चट्टान था, उसी चट्टान में जा कर के बाबू मीना फंस जाती हैं। आ जब मीना फसल है वो भैया, तब भयल का मास्टर साहब, किस गुफा में गए, किस दिशा में गए, किस गुफा में गए, किस दिशा में बहे, कुछ जहां थे पड़े के पड़े रह गए, कुछ तो लंगर की मजबूत थी बल्लियां, थे पकड़ के खड़े रह गए, टेंट में कुछ दबे, झार में कुछ टंगे, कुछ तो जलधार संग थे खाई में गिरे, खाने वाले प्रसादी प्रसादी बने, खाने वाले प्रसादी प्रसादी बने, कोई जलमग्न होकर गुफा में गिरे, जब सुरक्षा में है मेरे रक्षक जुटे, घायलों को है हॉस्पिटल लाया गया, मीडिया वालों के सम्मुक्ति जो त्रासती, अधमरी मीना देवी को पाया गया। ए बाबू, जब सुरक्षा कर्मी के लोग अधमरी मीना को पाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब मीना हॉस्पिटल में गई रही, इलाज जारी बा, काफी पानी पी चुकल बानी, लोग सीना दबावत बा, पेट के दबावत बा, पानी मुँह से निकलत बा, लेकिन अभी होश मीना के ना बा। जब भैया हो मीना के होश आई ना, तो मीना डॉक्टर साहब से रोई के कहे लगली, का कहत थी मास्टर साहब, अरे हम अभागिनिया के ए हमरे डॉक्टर साहब, हम अभागिनिया के ए हमरे डॉक्टर साहब, पियावा से देता तन में लाल दो, हमरो बेटवा हुए कै नंबर बेटावा पे, हमरो बेटवा हुए कै नंबर बेटावा पर, देता पाजारावा बोलाए हो, अरे डॉक्टर कहला कि तलाश हुआ जारी, अति न लाइक चैनल हुआ जल में जल डारी, ए साहब वही में ता हमरो या कसवा होई, ए साहब वही में ता हमरो या कसवा होई, ले चला हमा के चा लाए हो, डॉक्टर कहे कि करे जहां मर गलत बा, अति न उनके सांस नहीं सीनव में चलत बा, हे डॉक्टर साहब हम तो तीनहू में चीन ले, हे डॉक्टर साहब हम तो तीनहुन में चीन ले, देता मुंह वाला का दे खाए हो,
डॉक्टर साहब से मीना कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति मृत्युंजय जी, मेरे पति कहाँ पे है, जरा मेरे पति से मिलवा दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, सन्न है। बोलती है मीना, डॉक्टर साहब मेरा बेटा है जिसका नाम आकाश है, साहब मेरा बेटा किस बेड नंबर पर है, किस रूम में है, मेरे बेटों को भी दिखा दीजिए। डॉक्टर साहब बोले कि देखो, अब मैं तो बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन तीन बच्चों की लाश मिली है जो बाहर है। मीना बोलती, डॉक्टर साहब ले चलिए उस लाश के पास, जरा मुझे दिखा दीजिए, हो सकता है, क्या पता कि मेरा बेटा भी उसी में हो। अलाउ नहीं था बाबू, लेकिन डॉक्टर साहब सोचते हैं अबला है, लाचार है, बेचारी परेशान है। डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि ले जाइए उन तीनों लाश को दिखा दीजिए। जब मीना बाबू अली लाश के पास सफेद कपड़ा के हटावल गल हो, आकाश की भी लाश उसी में थी। ए बाबू, माँ देख करके मीना लाश पर गिरना चाहती है, लोग पकड़ लेते हैं, जैसे ही लोग पकड़ने हमें, अब मीना ए स्थिति में हो थी हो भैया, तब तक तभी हॉस्पिटल के हेल्पलाइन से अलाउंस हो रहा है। एक आईडी कार्ड से पता चला कि मेरठ के मृत्युंजय जिनकी डेड बॉडी मिली है, उनके परिजनों से मिलवाया जाए। ये बतिया जब मीना सुली न भैया हो, कल जब फाट के हाथ में आ गया, रोवा लगली, कली डॉक्टर साहब वो हमारे ही पति है, आप लोग लाइए बेटा का लाश रखल बा, इधर पति का लाश रखल बा। अब वही लाश पर गिर गई, गिर के भैया हो रोवत के पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा मेरे बाबू। का रोवत थी मास्टर साहब, अरे छीनी ले हल्ला मंगी आकाश से नूर सुहागावा संगवा के दे, बुझ गई ले मोर गोदिया के चिरागावा संगवा के दे, नैहर ससुर अन्हार भइले केहू नहीं के पास में, पंख काट चिराई के जैसे छोड़ देला आकाश में, अरे अब के कर पास बानव हम दे मंगवा संगवा के दे, केहू तो फसरी दे दया के लगवा संगवा के दे। ए बाबू, रोती है मीना, जिंदगी का सहारा लूट गया, गोद का सितारा चला गया, अब बेचारी मीना कैसे जिएगी, हालात बिगड़ती जा रही है। आप लोग भी समझ सकते हैं बाबू, जेकर पति मर जाए, जेकर बेटा मर जाए, अरे वो जी अच्छी रह जाई हो। अब हालत जब बिगड़त बा, लोग ले के हॉस्पिटल जात हुए, अब तब ले होत का बहो मास्टर साहब। अरे केतना दर्द में हुई है लिखे वाला गीतिया भैया, भैया
आज ओ परिवार से पूछल जा जे गयल बा दर्शन करे बदे, लोगन के खुशी बा, मिन्नत पूरा हो गई बा दर्शन कहके सब वापस घरे आई, लेकिन घरे कोई ना आयल हो बाबू। ओ परिवार से पीड़ा के पूछल जा तो बताई। लेकिन बाह कबीर जी बड़ी अच्छी लाइन लिखत हो मास्टर साहब, अरे धन्य धन्य बाण हमारे देश के जवानवा भैया, मसिया का मोटरी बा ना के ढोवलो गवा बाबू, मंजर के देखी टूटल दिल पे आसुमा, अरे के हो कजान मिलल के हो कसीरावा भैया, सीना वाला भाग केहू के मिल दुख मा, ए बाबू अब देखल जा वहां सुरक्षा कर्मी के लोग जुटे हुए हैं। धीरे धीरे समय बीतत बाहो बाबू, वो स्थिति हो गई थी वहां के लोगों की ना, जो पत्थर के नीचे दबे हैं, सुरक्षा कर्मी के लोग जा करके निकालते हैं तो बहिया पकड़े ना कलैया तो इसे हथवे निकल जाए, शरीरिया वही दबली रह जाए, जेकर सर दिखाई दे इसे सारा पकड़े तो हई सर हाथे में आ जाए, शरीरिया वही में दबली रह जा, कोई अगर जंघा देखाए गल तो जंघवा पकड़ के खींचे, शरीरिया वही में रह जा, मतलब एकदम सड़ी गली हुई लाश। सुरक्षा कर्मी निकाल करके बाबू मोटरी बनाते, देखिए क्या स्थिति थी, जहां पे 50 से ज्यादा लोग घायल मिले हॉस्पिटल में लाया गया, और उसी में लापता की संख्या अभी कोई बता नहीं पा रहा कि कितने लोग लापता हो गए, कितने लोगों की लाश नहीं मिली, लेकिन जिसमें बाबू मैं बता रही हूं ना कि अधमरी मीना पावल गई पति के लाश पर गिरल है, और गिरले गिरले बाबू होश ना भयल, इस शरीर से प्राण निकल गए, जब प्राण निकल गए हो बाबू तब भयल का मास्टर साहब बिरहा के आखिरी लाइन बा, अरे मौत का मंजर पन बादल चंडाल खा गया, नगर में महाकाल के शिव भक्तों को काल खा गया, खोज अभी तक है जारी, प्राकृतिक प्रकोप से उजरल फुलवारी, अरे तनिक समय न दिया नीच तत्काल खा गया, नगर में महाकाल के शिव भक्तों को काल खा गया,
ए बाबू देखिए हमारे गुरुजी बताते हैं। कुछ लोग आस्था पे कमेंट करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बताए मौत का मंजर बन बादल चंडाल खा गया, नगर में महाकाल के शिव भक्तों को काल खा गया। दुनिया में काल कोई के छोड़लस नहीं, काल आई तो के लेके चल जाई, आपन रूप रंग बदल दई। कबो पेड़ पर से गिरबा मर जीबा, कबो मंदिर के गेट में जात जात मर जीबा, कबो एक्सीडेंट में मर जीबा। तो यही बात है बाबू कि आज मानवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा में क्या अंतर है पता है? मानवीय आपदा जो मानव जो मनुष्य दुख देता है, मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो आप थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाते हैं, आपको जेल जुर्माना होता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से कोई मर गया, बादल फटने से कोई मर गया, चक्रवात से कोई मर गया, इसका क्या केस है, क्या मुकदमा है, कहाँ आप जाकर के मुकदमा लिखाएंगे? तो महाकाल, वो काल के आगे कोई कछेले वाला ना बा। काल आई भेषभूषा बदली आपके लेके चल जाई। बिरहा हमार आखिरी बा मास्टर साहब, आखिरी कहना बा। गुरु बिहारी गुरुणेश ना प्रभु को दोषी कहना, उनको भी तो काल न छोड़ा मुश्किल कर दिया रहना। अरे पहाड़ों से जलधारा चल पड़ी, उजाला प्यारे